नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। दक्षिण कोरियाई कंपनी का भारत में विरोध हो रहा है। ह्युंडई को भारत में विरोध का सामना करना पड़ रहा है और विरोध इस स्तर का कि ऐसी संभावनाएं ज्यादा हैं कि अब लोग ह्युंडई की गाड़ी खरीदने से पहले 10 बार सोचें। ये सोचें कि यही वो कंपनी है जिसने भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को लेकर भारत की भावनाओं को आहत किया है। जी हाँ, एक दक्षिण कोरियाई कंपनी ह्युंडई, जिसका भारत में अच्छा खासा बिजनेस है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू भारत से ही जनरेट करती है, उसी का पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल कश्मीर की आजादी पर बात कर रहा है और ह्युंडई का इस पर कोई रिएक्शन नहीं, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी तो ह्युंडई ने ना ही माफी मांगी और ना ही पाकिस्तान की ह्युंडई यूनिट के खिलाफ कोई कार्रवाई का भरोसा ही दिया, बस भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए पोस्ट कर दिया। ह्युंडई इंडिया ने लिखा, हम भारतीय बाजार के लिए पिछले 25 साल से प्रतिबद्ध हैं और यहाँ के राष्ट्रवाद के सम्मान में मजबूती से खड़े हैं। सोशल मीडिया पर कुछ अवांछित पोस्ट हमारी प्रतिबद्धता और सेवा को ठेस पहुंचाने वाले हैं। ह्युंडई के लिए भारत दूसरा घर और किसी भी असंवेदनशील बातचीत के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम इसकी निंदा करते हैं। भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तौर पर हम देश के साथ साथ नागरिकों की बेहतरी के लिए अपना प्रयास जारी रखेंगे। इस ट्वीट में ना ही कहीं माफी का जिक्र है, ना ही कहीं कार्रवाई की बात कही गई है, जिसके बाद अब लोग ह्युंडई इंडिया को लताड़ लगा रहे हैं। क्योंकि माफी या कार्रवाई की बात तो नहीं की, वो अलग बात है। ह्युंडई इंडिया ये भी कर रहा है कि जो लोग पाकिस्तानी यूनिट के ट्वीट को लेकर ह्युंडई इंडिया से सवाल कर रहे हैं, ह्युंडई इंडिया उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दे रहा है। श्रीजीत पानीकर नाम के यूजर ने लिखा, मेरा ट्विटर अकाउंट कंपनी ने ब्लॉक किया और फिर अनब्लॉक किया, क्योंकि श्रीजीत ने पूछा था, आपने अपने पाकिस्तानी यूनिट के बारे में कुछ भी क्यों नहीं लिखा है, जिसने भारत की संप्रभुता का अपमान किया। अगर आप राष्ट्रीयता का सम्मान करते हैं तो खुलकर बताइए कश्मीर पर आपकी राय क्या है, क्या आप अपने पाकिस्तानी यूनिट के विचारों का समर्थन करते हैं। वही संजय कौल ने लिखा, मैं कश्मीरी पंडित हूँ और 3 दशकों से बाहर रह रहा हूँ, क्योंकि जिहादी आतंकियों ने कश्मीर को नर्क बना दिया था। ह्युंडई ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का एक तरह से समर्थन किया है, उसे माफी मांगनी चाहिए। देखते ही देखते हैशटैग बॉयकॉट ह्युंडई ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। आकांक्षा श्रीवास्तव ने लिखा, ठीक है, मान लीजिए कि हम आप पर विश्वास करते हैं, तो आप लिखते क्यों नहीं कि इस अस्वीकार्य घटना के लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम भारत के खिलाफ एकजुटता से खड़े हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। दिए गए किसी भी बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं। वहीं स्वानंद कर्मकर नाम के यूजर ने लिखा, कभी भी टेस्ट ड्राइव के लिए पास के ह्युंडई शोरूम में मैं नहीं जाऊंगा। अपने सबसे बड़े बाजार से एक के प्रति थोड़ा विनम्र रहे और राष्ट्र से माफी मांगे। हैशटैग कश्मीर इज इंडिया, कभी भी ह्युंडई नहीं खरीदूंगा। वहीं कुछ और यूजर ने लिखा, ये कैसी माफी है, ह्युंडई को माफी मांगनी चाहिए। जीवन संपत ने लिखा, गलती सुधारने का कोई गंभीर प्रयास नहीं, शर्म की बात है ह्युंडई, मैंने हमेशा ह्युंडई की कार से ही प्यार किया है। धार्मिक सोल्जर नाम के यूजर ने लिखा, ह्युंडई खरीदने का फैसला मैंने कैंसिल कर दिया, क्रेटा की जगह टाटा की गाड़ी खरीदूंगा। एक और यूजर ने ट्वीट किया, अगर इस पर आपकी तरफ से कोई ढंग की प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो हम आपको सबक सिखाएंगे। हरदेव सिंह ने लिखा, कुछ महीने पहले मैंने ह्युंडई के ऊपर टाटा को चुना और आज मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। कुल मिलाकर लोगों ने ह्युंडई की पाकिस्तान यूनिट को तो लताड़ा ही, साथ ही इंडियन यूनिट को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। ह्युंडई को टाटा कहने का समय आ गया है, अब ह्युंडई से टाटा पर शिफ्ट होने का वक्त आ गया है। आपको बता दें, ह्युंडई पाकिस्तान ने एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था, चलिए याद करें कश्मीरी भाइयों के बलिदान को और उनका समर्थन करें ताकि वो आजादी के लिए संघर्ष करते रहें। अब देखते हैं ह्युंडई की इंडियन यूनिट इतनी फजीहत होने के बाद माफी मांगती है या नहीं। जैसे आप ह्युंडई की इस हरकत पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।